रामचंद्र की जय, सीताराम बाबा की जय हो। बैक टू द चैनल। आज हम लोग आए हैं नासिक के वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट में, जो कि मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड है। इसका नाम है गंगा टी हाउस और अभी बज रहे सुबह के 8 और ब्रेकफास्ट का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो चलिए अंदर चलते हैं और नासिक के वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट में मिसल एक्सपीरियंस करते हैं। मेरे पीछे आप इनका किचन देख सकते हो। पूरे रेस्टोरेंट को एकदम ओल्ड चार्म है, सिंसे 100 साल से भी पुराना वाड़ा है। यहाँ पे दो सीटिंग एरिया है, एक तो इंडोर और एक आउटडोर। आउटडोर एरिया से पूरा गंगा घाट का व्यू है, तो हम आउटडोर ही बैठने वाले हैं। बट उससे पहले जानते हैं यहाँ का हिस्ट्री क्या है, सिंस यही वो प्लेस है जहाँ पे मिसल ने बर्थ लिया नासिक में। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के ओनर से, जिनका नाम है चंद्रकांत जी खेरे। आमच्या हॉटेलची हिस्ट्री अशी आहे की पूर्वी फार इथं बाजार भरायचा, तर इथं आम्ही जेव्हा चालू केलं इकडचे जे लोक यायचे ते इथं भाकरी बांधून घेऊन यायचे, मग भाजीचा प्रश्न उपस्थित होतो। ओके, मग ते मिसळ आपण चालू केली, मिसळ चालू केल्यानंतर ते मिसळ खायला लागले, भाकरी कमी पडायला लागल्या, पोट भरायला नाही लागलं, मग आपण पावाची हे आणली, मग तेव्हापासून मिसळ पाव सुरू झाले। आता ही आमची चौथी पिढी आहे। मिसळ पाव सुरू केली त्यावेळेस त्या मिसळ पावची प्लेटची कॉस्ट किती होती? 12 पैसे हो, आणि 3 पैशाला 6 होता, 12 पैशाला मिसळ पाव। तो आप सभी को पता है कि मैं कितनी बड़ी मिसल की फ़ैन हूँ, और जो ये हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं और ये वीडियो उसमें का पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल पे नासिक के सारे मिसल रेस्टोरेंट का वीडियो देख पाओगे। बट आज मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि नासिक में मिसल का शुरुआत इस रेस्टोरेंट से हुआ, यही जगह से हुआ। हमारी मिसल की प्लेट आ चुकी है, मैं आपको बता देती हूँ कि एक प्लेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो ये है मेन प्लेट, इसमें रस्सा, तर्री, शेव और जो मटकी यानी कि जो उसल होती है वो डाली हुई है। उसके साथ है यहाँ पर पाव, प्याज, नींबू, दही और पापड़ फ्राई किया हुआ। और हमने वैसे तो यहाँ पे देते नहीं है अलग से, आप एक्स्ट्रा मंगवा सकते हो, बट हमने आपको दिखाने के लिए सिर्फ मंगवा के रखा है ये रस्सा और तर्री। तो चलिए टेस्ट करते हैं फटाफट। मिक्स करने के बाद मुझे समझ रहा है कि इसमें उन्होंने पोहा भी डाला हुआ है, पूरा प्लेट भर के रस्सा डाल दिया है अभी। वाह, क्या अमेजिंग टेस्ट है, एकदम ही बहुत मसालों का अच्छा टेस्ट आ रहा है। ऑयल का एक डिफरेंट टेक्सचर होता है ना, वो तर्री में फील हो रहा है, और उसके साथ साथ जो तरी में मसाले डले हुए उसका भी बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है, गरम मसाले का काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और पोहे का जो क्वांटिटी है ना मिसल में उन्होंने बहुत अच्छे से डाला है, इसलिए ओवरऑल जो टेक्सचर है वो बहुत ही सॉफ्ट हो गया है मिसल का, बहुत बढ़िया टेस्ट है। तो गाइस बाहर बहुत ज़्यादा धूप पड़ गई थी तो हम लोग अंदर शिफ्ट हो गए। और जो मिसल है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, मीडियम स्पाइसी है, मतलब अगर आप कम स्पाइसी खाते हो तो भी आप आराम से इसे खा सकते हो। और स्पेशली अब बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाते तो दही के साथ तो पूरा बैलेंस आउट हो जाता है उसका स्पाइसीनेस। पाव भी एकदम सॉफ्ट साइड पे है, इसको रोस्ट नहीं किया है जो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मिसल के साथ विदाउट रोस्ट किया हुआ पाव ही अच्छा लगता है। गरम गरम मिसल एकदम बहुत ही सही टेस्ट है, अगर आपने यहाँ पे का नहीं खा रहे हो तो एक बार आके खाने चाहिए आपने। तुम्हाला किती वर्ष झाली इथे खाते तुम्ही? मी 30-35 वर्षापासून इकडे। पाट्यावरचा मसाला असतो, कच्चा मसाला असतो, पाट्यावर वाटलेला असतो, लसूण आलं मिरची सगळं त्याच्यामध्ये कच्चा वाटलेला असतो, टेस्ट वेगळी लागते, टेस्ट एकदम घरच्यासारखी टेस्ट लागते। आणि विशेष म्हणजे इथे तरी जो मसाला असतो, रस्सा असतो, तो असा दुसऱ्या हॉटेलमध्ये गेला का एका बाजूला पाणी होतं एका बाजूला, इथे त्या पद्धतीचं होत नाही, एकत्रच राहतं। इथे मिसळ भी फेमस आहे, मिसळीच्या सारखी चव कुठेच नाही आहे, आणि वडा रस्सा भी चांगला आहे, वडा रस्सा मिसळ म्हणजे एकदम एक नंबर मिसळ। तो मेरा मिसळ ऑलमोस्ट फिनिश होने आया है,
और आप देख सकते हो कि सारी जो इंग्रेडिएंट्स थे पोहा शेव वो सारी चीज़ें प्रॉपरली एक दूसरे में मिक्स हो चुकी है। मुझे बोलना पड़ेगा मैंने अब तक जितने मिसल खाए ना इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ऐसे होमली फीलिंग है इस मिसल के टेस्ट में। चाय भी मस्त है, ठीक चाय एकदम। मिसल का टेस्ट अमेजिंग था, मैंने आपको पूरा रिव्यू दे ही दिया, बट यहाँ पे मैं दो तीन चीज़ें स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी। यहाँ पर जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं उसका क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। जो भी सारे मसाले हैं वो पत्थर से पीसे जाते हैं, ना कि मिक्सी में, इस वजह से उसका टेस्ट बहुत ही ऑथेंटिक आता है। जो हमने दही लिया था साथ में वो दही का क्वालिटी भी इतना अमेजिंग था, आप चम्मच डाल के जब उठा के निकालते हो ना उस दही को तो पानी बिल्कुल भी नहीं दिखता, पूरा प्रॉपर ऐसे थिक लेयर आता है दही का। टेस्ट है वो पुराने ज़माने का, उन्होंने मेंटेन किया है, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है, तो इस वजह से अगर आपको ऑथेंटिक मिसल का टेस्ट, नासिक का ऑथेंटिक मिसल खाना रहेगा ना तो आप ज़रूर यहाँ पर आए। मिसल के साथ साथ पूरी भी मिलती है, जो कि हमने पहली बार एक और चीज़ नहीं यहाँ पर देखी। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पाव के जगह पे पूरी के साथ मिसल खा रहे हैं। बड़ा रस्सा मिलता है, भजी मिलता है यहाँ पे। हमने मिसल का प्लेट लिया था, उसका 70 रुपीज़ है, उसमें मिसल आता है, दो पाव आता है, पापड़ आता है और प्याज नींबू दिया जाता है, और स्पेशल चाय का कॉस्टिंग है 20 रुपये। तो अगर आप मिसल और चाय लेते हो साथ में, जो कि बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, तो 90 रुपये में आपका पूरा पेट भर जाएगा। तो गाइस आई होप आप लोगों ने हमारा ये ऑथेंटिक नासिक के मिसल का वीडियो एंजॉय किया होगा। इस रेस्टोरेंट का गूगल पिन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप यहाँ पर इजीली आ सको, और इसका टाइमिंग जो है वो सुबह 8 से लेकर दोपहर को 4 बजे तक है। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय वंडर्स।